सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। यूपी में नगर निकाय चुनाव 2022 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। चलिए जानते हैं इस बार प्रयागराज जिले की जनता के क्या है विचार, क्या चाहते हैं बदलाव या कैसा चाहती है अपना प्रत्याशी। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज प्राइम टीवी की टीम पहुंची है प्रयागराज। प्रयागराज के नैनी स्थित चाका ब्लॉक पहुंची है। आइए हम चाका ब्लॉक की जनता से जानेंगे क्या इस बार नगर में किसकी सरकार होगी। भैया चुनाव हो रहा है, इरादा यही है कि चुनाव अपना जो नेता हो साफ और पाक और साफ हो, ऐसा व्यक्ति को चुना जाए जो अपने गांव और समाज का विकास कर सके। आम जनता का मूड यही है कि हमारा वार्ड तो पहली बार ये सभा सदी में हुआ है, हम यही चाहते हैं कि जो भी इस वार्ड से जीते वो विकास करे। प्रतिनिधि हमारा ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो जन जन के हित में कार्य करें, लोगों तक पहुँचे, लोगों की समस्याएं सुने। अच्छा विकास चाहिए, अच्छे लोग आए। नेता तो जो विकास कर रहे हैं वही नेता चाहिए। अभी देख रहे हैं पूरा रोड खराब है, पूरा गरीब आदमी ऐसे चल रहे हैं। विकास की कमी लगती है? हाँ, विकास कमी बहुत लग रही है। नगर निकाय चुनाव के साथ प्राइम टीवी है तैयार। आज हम प्रयागराज के नैनी स्थित चाका ब्लॉक में हैं। आइए जानते हैं यहाँ के जनता का क्या है मूड, जनता के क्या है विचार, क्या इतिहास दोहराया जाएगा कि फिर से बनेगा नया समीकरण। सीधे हम चाका ब्लॉक की जनता से जानेंगे क्या है जनता की राय। ना चाहेंगे इधर देखिएगा। भैया चुनाव हो रहा है, इरादा यही है कि चुनाव अपना जो नेता हो साफ और पाक और साफ हो समाज में, और ऐसा हो कि जिसका छवि मार्केट में अच्छी ठीक ठाक हो, लोगों में अच्छी हो, ऐसा व्यक्ति को चुना जाए जो अपने गाँव और समाज का विकास कर सके। इस बार इधर देखिएगा भैया, आम जनता का मूड क्या है, क्या है आप लोगों का मूड क्या है इस बार? आम जनता का मूड यही है कि हमारा वार्ड तो पहली बार ये सभा सदी में हुआ है, ठीक है, और प्लस हम यही चाहते हैं कि जो भी इस वार्ड से जीते वो विकास करे, समाज को देखे, जो भी समाज की कमियां हैं, रोड हैं, नाली हैं, उनको पूरा करें, ठीक है। आप किस तरह का प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे, किस तरह का प्रतिनिधि होना चाहिए? प्रतिनिधि हमारा ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो जन जन के हित में कार्य करें, लोगों तक पहुँचे, लोगों की समस्याएं सुने, क्योंकि समस्याएं सुनेगा तभी वो अच्छा प्रतिनिधि कहलाएगा, ठीक है, और जनता उसको पसंद करेगी। यही बस सोचना चाहिए कि प्रतिनिधि अच्छा हो, ईमानदार हो और लोगों तक पहुँचे, अच्छा काम करे, बस हो गया, लोगों की बात सुने। आपके क्षेत्र में पहली बार सभासद चुना जा रहा है, इसके पहले ग्राम प्रधानी था, ग्राम प्रधानी थी, तो किस तरह के सभासद आप, क्या आपको लगता है कि वो सभासद विकास करेगा? विकास करना चाहिए क्योंकि अभी बहुत से विकास के कार्य बचे हुए हैं जो अब सभासद को ही करना है, क्योंकि प्रधानी में जो भी आया था जितना भी थोड़ा बहुत काम हुआ है, बहुत काम अभी बचा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम भी होते हैं जो केवल प्रधानी से नहीं हो पाता, तो सभासदी बड़ा क्षेत्र है, बड़े प्रत्याशी हैं, सभासद प्रत्याशी रहेंगे तो उनके द्वारा कार्य अच्छा होगा, बस यही चाहते हैं। चाचा आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, आपको कैसा नेता इस बार क्षेत्र में चाहिए? नेता तो जो विकास कर रहे हैं वही नेता चाहिए जो कि सब देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। हाँ, चाका ब्लॉक की को विकास की जरूरत है, विकास बिल्कुल विकास की जरूरत कहाँ हुआ है भाई, देख रहे हैं पूरा रोड खराब है, पूरा गरीब आदमी ऐसे चल रहे हैं, नाला रोड भरा है, मच्छर खाए रहे गरीबों। आपको विकास की कमी लगती है? हाँ, विकास की कमी लगती है। हाँ, विकास कमी बहुत लग रही है। किस तरह का विकास चाहेंगे आप? हम तो सोचेंगे अच्छा विकास चाहिए, अच्छे लोग आए, चाहे जो आए पार्टी में तो अच्छा विकास होगा। अब क्या नहीं, क्या विकास नहीं, कुछ नहीं विकास, ना नाली बना है, ना कुछ बड़ा है, ना यहाँ आते हैं कोई साफ सफाई करने वाले, ठीक। देखिए आप युवा हैं और अभी तक आप यहाँ सभासद नहीं था, तो अब सभासद होने जा रहा है, सीए सीट होने जा रही है, तो किस तरह का विकास चाहेंगे सभासद से? अभी तक जिसके अब मतलब विकास हुआ नहीं आपका? अभी तक तो नहीं हो, क्योंकि अभी तक यहाँ पे सभासद नहीं था, और मैं प्रधान जी और जो थे जितना हो सका उन लोगों से किए, बाकी मैं तो लगता है उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो अब की लग रहा है आपको कि अगर सभासद होगा जी, तो जी
क्षेत्र का विकास करेगा, क्षेत्र का विकास करेगा, नए कोई सभासद आते हैं तो जाहिर सी बात हो विकास करेंगे। चाचा आपने बहुत चुनाव देखा होगा, हाँ सर, तो ये आपके क्षेत्र का एक नया चुनाव होने जा रहा है, एक आप पार्षद चुनने जा रहे हैं, तो किस तरह का पार्षद होना चाहिए, क्या विकास अभी तक रुका है जो उनसे उम्मीद होगी? विकास तो पहले बहुत रुका है भैया 25 साल से, लेकिन अब ये आशाएं जुड़ी हैं पार्षदों से कि जो नए आएंगे वो कर्मठ रहेंगे, वो काम करेंगे, इससे हमारे गांव का विकास होगा। उम्मीद जगी है कि क्या कहते हैं, नए आएंगे जो नया वो काम करेंगे, हमारा गांव आगे तरक्की करेगा। काका ब्लॉक की जनता की राय, जिन्होंने कहा कि विकास होना चाहिए, अभी भी कई ऐसे कार्य हैं जो पूरा होना चाहिए, साथ ही ये भी कहते हैं कि उसी के आधार पर जनता चुनाव करे सही नेता का, तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। आशीष भट्ट, प्राइम टीवी, प्रयागराज। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।